भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव पर जान लेवा हमला। हौसला बुलंद बदमाशों ने लाठी डंडे से किया प्रहार। लाठी डंडे से लैस हौसला बुलंद मनबड़ों ने कोतवाली क्षेत्र के उपरौट गांव के सामने हाईवा पर दोपहर 1 बजे भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इस घटना में पूर्व प्रमुख और उनके एक साथी को गंभीर चोट आई है। बताते हैं कि 2-4 पहिया से आए लोगों ने रोक कर हमला कर दिया, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख सके 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई ले गई, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना मिलते ही औराई कोतवाली में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों का थाने में जमघट लगा रखा। भदोही कोतवाली के जयरामपुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाल विद्या विकास यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि मैं अपने 4 पहिया वाहन से चालक कमलेश और साथ में मूसी निवासी राजेश के साथ दोपहर 1 बजे कोतवाली क्षेत्र के इटावा निवासी अमरनाथ यादव के यहाँ जा रहा था। जैसे ही उपरौट गांव के सामने हाईवे पर पहुँचे, पीछे से 2 स्कॉर्पियो वाहन ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और विकास यादव की गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही पीछे से आई दोनों गाड़ियों में से भदोही कोतवाली के पिपरिस निवासी शेखर उर्फ चंद्रशेखर, वाराणसी जिले के राजा तालाब कनकपुर निवासी वरुण सिंह, जौनपुर जिले के गोपालपुर निवासी आशीष सिंह, ज्ञानपुर कोतवाली के मनीष पांडे, राम बालक सहित 7-8 अज्ञात लोग हाथ में डंडा बंदूक लेकर उतरे। मुझे और राजेश को गाड़ी से खींचकर मारने पीटने लगे। मारपीट और शोरगुल सुनकर अगल बगल के लोग भी घटनास्थल पर दौड़े और सभी आरोपी बंदूक से फायर करते हुए वाराणसी की तरफ भाग गए। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, कमलेश सिंह की खास रिपोर्ट। मैं आज इटवा जा रहा था, एक तिरही थी 26 तारीख को, मैं उस समय लखनऊ में था, नहीं पहुंच पाया था, तो आज हम इटवा जा रहे थे इसी तिरही में। और तभी जो है, जब औराई जीटी रोड उपरौट पर हम पहुंचे हैं, तो पीछे से हमारे 2 स्कॉर्पियो हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया है और उसमें से जो है 10-12 के संख्या में बदमाश उतरे हैं और उन्होंने हमको गाड़ी से खींचा, तो हमको और हमारे सहयोगी को, तो हम लोग भागने लगे वहाँ से, केवल इससे जब लाठी डंडा राड देखे हाथ में हम लोगों के, एक बंदूक भी लिया हुआ था। फिर तो उसके बाद जैसे हमारा जान मारने के लिए गया, सिर पे हमारे राड से प्रहार किया गया और उसके बाद जो है हमारे साथी के भी सिर पे प्रहार किया गया, दोनों आदमी को मारा लाठी डंडों से मारा, एकदम शरीर हाथ हो जो सब भी संभवतः फ्रैक्चर हो गया है। तब तक अगल बगल गांव के लोग भी वहाँ, मतलब जो सड़क था, चलती सड़क थी, लोग रुकने लगे भीड़ भाड़ देख करके, वो हवा में फायर करके बदमाश दोनों गाड़ी से फिर बनारस की तरफ चले गए। नहीं, मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से आज तक कोई जाति दुश्मनी किसी से है ही नहीं। और राजनीतिक द्वेष देखिए, अभी पीछे भाई हमारा जो है अविश्वास हुआ था सरकार में, उस समय भी मेरे ऊपर कई किताब फर्जी मुकदमे लिखे गए, जिसमें विवेचना के बाद जो है कि केस शार्ट आउट सब हो गया, तब एफआईआर लग गई, घटना झूठी पाई गई। और आगे भी चूंकि इस वर्ष फिर चुनाव है, 2020 से पंचायत का चुनाव है, तो हो सकता है कि किसी की राजनीतिक दुश्मनी हो, लेकिन व्यक्तिगत मेरी याद तक किसी से किसी भी प्रकार की, मतलब कभी 151 107 16 भी नहीं। स्कॉर्पियो सवार थे, उसमें से किसी को पहचान रहे थे या गाड़ी नंबर ऐसा कुछ? गाड़ी नंबर नहीं पहचान रहे थे, उसमें से 4-5 आदमी मैं पहचान रहा था, मैंने नाम लिख के दे दिया है पुलिस को और वो लोग अपना जांच कर रहे हैं, बाकी 7-8 लोगों को नहीं पहचाना, 4-5 लोग को पहचान रहे थे, उनका हमने नाम लिख करके पुलिस में दे दिया है।